Welcome in episode 2. So firstly, I'll show you our room. So we stayed in Resort V, which is in Huai Quang. Everything about this hotel is in the description. Go and check it out. Hey guys, welcome back. This is the second episode of our Thailand trip, Bangkok trip. फिलहाल तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो फिलहाल हम अभी पूल से निकले हैं नहा वहा के, रेडी होके अब हमें थोड़ा लंच करना है एंड ATM से कुछ पैसा निकालना, बाट में जो भी रहता है, THB ये है। तो यहाँ पे 7-Eleven है, यहाँ पे हर जगह 7-Eleven है, लाइक वहाँ ग्रॉसरी का सामान, खाने पीने का सामान, स्नैक्स वगैरह मिलता है जैसा कि मुझे बताया गया है। बाकी चलते दिखाते और एक और चीज़ आपको पूल दिखाते और ये जो रिजॉर्ट हमने बुक किया है इसको बाहर से दिखाते। बाय द वे इस रिजॉर्ट का नाम वी रिजॉर्ट है ना, रिजॉर्ट वी है, ठीक है, दिखा। हमारे होटल से एकदम पास में यही है 7-Eleven ग्रोसरी स्टोर और ये आई थिंक कोई सोसाइटी है। चेक आउट दैट बाइक, ये आई थिंक लेज है। वेज ऑप्शन है आपके लिए राइस का, दिस इज स्टर फ्राइड बेसिल वेजिटेरियन प्रोटीन। तो इसमें क्या है, एक्चुअली सोया चंक्स है, तुलसी पत्ता और दो तरीके का राइस को मिक्स किया हुआ है इसमें। तो ये आपको मिलेगा। देन ये वेजिटेरियन मील है ना, कितने का है इसका प्राइस? ये 32 तो लगभग 70 रुपीज़ का। ओके, 70 रुपीज़ में। यहाँ पे 7-Eleven एंड ये सामने हमारा रिजॉर्ट होटल। ज़्यादा दूर चल के जाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1-2 मिनट का रास्ता है, पहुँच गए। अभी ले लिया, दिखा दे क्या क्या लिया भाई। तो एक मस्त नींद लेके हम उठ चुके हैं एंड अभी यहाँ के हिसाब से टाइमिंग 8:13 हो रहा है एंड आवर प्लान फॉर नाउ इज़ कि हम कोई सटी एक्सकर्शन के लिए वॉक करने के लिए जाएं, बिकॉज़ अभी फ्राइडे नाइट है। तो हम सोच रहे कि कहीं वॉक पे निकलते देखते, क्योंकि मौसम भी बहुत सही है, हवा चल रहा, तो थोड़ा निकलते देखते कि क्या है, एक्सप्लोर करते एंड आपको भी बताते कि आप शाम में यहाँ क्या कर सकते। तो ये है बस, वीडियो में थोड़ा और बने रहो और देखो फिर। तो गाइस हम निकल चुके हैं बैंकॉक की सड़कों पे। भैया अभी हम लोग वैसे कहाँ जाने वाले? अभी हम लोग जाएंगे सियाम स्क्वायर। मेट्रो से आए थे यहाँ से, फिर नीचे आ गए साइड से एंड ये है मॉल। तो गाइस अभी हम बैंकॉक के एक मॉल में आए हैं जिसका कि नाम सेवॉन्ग पैरागॉन है। हमने 2 मेट्रो स्टेशन पार किया, हम मॉल में तो आ गए बट अनफॉर्चुनेटली अभी रात के 10 बज रहे हैं तो मॉल बंद हो गया है एंड मेट्रो भी यहाँ आई गेस 12:30 बजे तक खुला रहता, तो हमें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। फिलहाल हम मॉल के अंदर नहीं जा सकते बट बाहर से मैंने दिखा दी। तो मॉल से हम निकल गए, अब थोड़ा नीचे मतलब स्ट्रीट पे थोड़ा देखते कि क्या है क्या नहीं, थोड़ा स्ट्रीट फूड इन्जॉय करेंगे अगर कुछ रहेगा तो।
और थोड़ा एक्सप्लोर करते रात में बैंकॉक, दिखाते आपको कैसा दिखता है। ऐसा कुछ भी हो वैसे पीछे जो आपने स्ट्रीट देखा वहाँ पे काफ़ी सारा वैरायटी का ऑप्शन था, सी फूड का और भी फ्रूट्स वगैरह मिल रहा था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल रहा था। देख के थोड़ा अजीब सा स्मेल आ रहा था बिकॉज स्ट्रीट फूड में मतलब बहुत सारा कुछ था, नॉन वेज में खा सकते हो। तो ये फ़िलहाल हम थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये वाला भी सियाम सेंटर जो मॉल है उसके पास में ही था। अभी हम 7-Eleven में फिर जा रहे हैं, यहाँ पे हर जगह ही 7-Eleven है, तो अंदर चलते हैं देखते हैं कि क्या खा सकते हैं। कितने का लिखा है इसमें प्राइस? आज उठाया है चिकन भी एक ब्रांच से, क्या है 59 रुपये। अभी हमने चिकन और राइस का एक कॉम्बो लिया था 7-Eleven से, मतलब मैंने लिया था। मैंने जब पहली बार ट्राई किया तभी मेरे को इतना मतलब अजीब सा लगा जैसे कि वोमिट हो जाएगा ऐसा लग रहा था। तो आई सजेस्ट कि अगर आप भी कुछ लें तो थोड़ा सोच समझ कर लें, बस चिकन देख के ना ले लें। चिकन ही रहेगा बट उसका टेस्ट काफ़ी अलग रहेगा, मे बी उसका जो बॉइलिंग रहता जो हमारे इंडिया में बनता थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए भी। तो आई प्रेफर आप सेम कि हम ब्रेड वगैरह लें और जो हमारे होटल के पास रिजॉर्ट के पास जो 7-Eleven था वहाँ से वो जो सुबह में हमने खाया था वो लें, तो यही बेटर ऑप्शन। सो गाइज नाउ इट्स ऑलमोस्ट 10:30-10:40 अप्रॉक्स, तो अभी मेट्रो तक भी जाते जाते आएगा समय 11:15 तक होगा और 12:30 मेट्रो बंद भी हो जाता। तो हम अब मेट्रो की ओर जा रहे हैं एंड वहाँ से फिर हम अपने रिजॉर्ट मतलब होटल रूम में जाएंगे एंड वहाँ पर जाकर थोड़ा आराम वगैरह करते हैं, देखते कि क्या कर सकते हैं, फिर रूम में जैसा होगा अपडेट करेंगे। बाय द वे ये स्ट्रीट दिखाते हैं अभी हम कहाँ पर, ये कोई थाई रेस्टोरेंट है एंड हम इस पर चल रहे हैं और यहाँ पे एक बड़ा सा बिल्डिंग एंड इधर रोड है। तो मेट्रो तो बंद हो गई थी, देन हमने कैब लिया और अपने रिजॉर्ट गए। सो दिस इज़ हाउ वी स्पेंट आवर D1 इन बैंकॉक। और D2 में कुछ ऐसा हुआ जो कि देखने लायक था।